क्या आपने एवेंजर्स एंड गेम में ये चीज नोटिस की कि जब टोनी सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस से वापस ले लेता है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके फेस पर कहीं भी खून नहीं लगा हुआ होता है, बट जैसे ही टोनी स्नैप करता है तो खून का धब्बा उसके चेहरे पे नजर आने लगता है। अब ये कैसे हुआ, आपको क्या लगता है?